हमारे पास रिलायंस पावर के 900 शेयर है, अब उसमें आप क्या करेंगे? 11 रुपए की खरीदारी है। ठीक है, आप ओके ठीक है। अभी आज हमने स्टॉक में एक अप मूव देखा और अब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है। इनकी खरीद आस्था 11 के आसपास की है, 13 रुपए 20 पैसे पर। गिरते बाजार में भी स्टॉक अपने आप को संभालने की कोशिश आज कर रहा है। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर देखें, गिरावट ज्यादा हावी होती हुई स्टॉक में दिखी और मेरा मानना है शायद इसी वजह से हमारे व्यूअर का भी सवाल है कि रिलायंस पावर में आगे किया क्या जाए, या जो बढ़त दिख रही है इसका एक मौका उठाकर एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें, या फिर रुकना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इंट्राडे की बात करें तो तकरीबन 13 रुपए 13 रुपए 60 पैसे के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। इंट्राडे में ये रेंज बनी हुई है। वीकली चार्ट में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तकरीबन रहेगा 12 रुपए 80 पैसे का, क्योंकि इनकी खरीद 11 के आसपास की है, 12 रुपए 40 पैसे का सपोर्ट है। तो ये चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग पोजिशन को होल्ड करेंगे 12 रुपए 40 पैसे के क्लोजिंग रेंज के स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि उसके नीचे अगर बंद हुआ तो ही एंटर करना है, नहीं तो होल्ड करना है। और अगर इसमें 13 रुपए 70 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया तो आगे जाते हुए हमें ये जो लेवल्स दिखा सकता है वो 14 रुपए 50 पैसे तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस पावर में इन्हें बुक करना चाहिए कुछ प्रॉफिट, और कुछ प्रॉफिट को 12 रुपए 40 पैसे के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए।